आज का विचार इरफान खान का अनमोल विचार। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान जयपुर में हुआ था। इरफान खान हिंदी फिल्मों के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। शुरुआत में वे एक अच्छे क्रिकेटर थे। धन की कमी के कारण सीके नायडू टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो सका। सलाम बॉम्बे में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। इन्हें अपने अभिनय के लिए कई फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक एशियाई फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं इरफान खान के अनमोल विचार आपके अनमोल जीवन के लिए। अभिमान की आग तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक होती है। एक बार जब यह आपको जलाती है तो निशान सीधे आत्मा पर दिखाई देते हैं। एक राष्ट्र को यह जानने की जरूरत है कि प्रतिभा का उपयोग कैसे किया जाए। शायद प्रसिद्ध होना अपने आप को आश्वस्त करना है कि आपके अंदर जो भी कमी है आपने उसे पूरा कर लिया है। भाग्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यह बदलता है। जब इंसान का सपना टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है। कई बार छोटी छोटी गलतियां बड़े नुकसान का कारण बन जाती हैं। काम पूरा होने से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए, यह दुर्भाग्य को दर्शाता है। एक घायल दोस्त दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। दो प्रकार के शौक होते हैं, एक जो समय के साथ समाप्त हो जाता है और दूसरा जो समय के साथ आपका मिशन बन जाता है। अच्छे समाज की निशानी वही है जहां प्रतिभा का सम्मान हो। पैसे का नशा नशे के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर पैसा भगवान नहीं है तो यह भगवान से कम नहीं है। सच्ची खूबसूरती को तारीफ की जरूरत नहीं होती, बस आंखों की तालियां ही काफी हैं उसके लिए। मौत और गंदगी, ये दो चीजें किसी को भी कहीं भी कभी भी आ सकती हैं। इंसान ही गलत नहीं हो सकता, वक्त भी गलत हो सकता है। बड़े शहरों की हवा और छोटे शहरों का पानी बहुत खतरनाक होता है। शैतान की सबसे बड़ी चाल होती है कि वो कभी सामने नहीं आता। जो एक बार दौड़ते हैं वो हमेशा दौड़ते रहते हैं। खाली हाथ जाना है सबको, पैसा किसी के साथ नहीं जाता, पीछे रह जाता है। एक व्यक्ति गलत निर्णय लेता है जब उसका समय सही नहीं होता है। गलतियां रिश्तों की तरह होती हैं, आपको उन्हें करने की जरूरत नहीं है, वो बस हो जाती हैं। एक खुशहाल जीवन की कुंजी यह स्वीकार करना है कि आप वास्तव में कभी नियंत्रण में नहीं हैं। वक्त आपको वह भी सिखाता है जो आप सीखना नहीं चाहते। असफलता आपको कुछ सिखाने के लिए आती है ताकि आप उससे सबक लेकर आगे बढ़ सके। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, चुतिया आशिकी के चक्कर में मर गया और लौंडिया भी नहीं मिली। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। भूख वह सब कुछ बदल सकती है जो आपने सोचा था।